हेलो छोटे। हाँ बोल रहा हूँ। पैसे की चिंता मत करना तुम। मैं भला आपसे पैसे की कैसे बात करूँगा? बहुत दिनों के बाद तो आपने याद किया है। मैं आप ही से तो ट्रेनिंग लिया हूँ। ओके भैया, मैं संभाल लूंगा, आप आराम से सो जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। शहर का बॉर्डर पार करके इतना दूर आया है तो मैटर सीरियस। आओ। अबे उसे खत्म किया कि नहीं? चेक पोस्ट लॉक कर दिया है, उसमें दम है तो आकर दिखाए, फंस जाएगा। करके बोल भैया। टेंशन नहीं लेने का भैया, कुत्ते की तरह तुम हिलाएगा वो, उसे आने तो दीजिए। अरे आप आकर देख लीजिए ना। इस गाड़ी को चेक करो। हाँ भाई। तू ही है भैया का शिकार? ए भैया को फोन लगाओ, बोलो शिकार मिल गया। अपने आप को शेर समझते हो, इसीलिए ज्यादा फैल रहे हो। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें। ओए, पहले तेरा हाथ तोड़ूं या कि पैर तोड़ूं? भैया से पूछ लेता हूं। भैया से पंगा लिया है तो बच नहीं पाओगे। हेलो। छुड़ा मत। कहाँ मर गए सबके सब? हेलो हेलो भैया, वो भाग गया, हम पीछे लगे हैं। ओ बालू फ्रॉम यूपी, वेलकम टू आवर कॉलेज। बिफोर ज्वाइनिंग एज ए फिजिकल ट्रेनर, गेट द सिग्नेचर फ्रॉम फिजिकल डायरेक्टर मिस्टर वरुण संदेश। थैंक यू सर। वरुण सर से मिलना है। 5 मिनट। ओ साउंड सर, एक्सरसाइजिंग ब्रीदिंग इफेक्ट। ओह, लगता है भयंकर एक्सरसाइज करते हैं। मेरा राइट हैंड बाइसेप्स रेडी। सलमान का 6 पैक, इस संदेश का 7 पैक। सर, वरुण संदेश आप ही हैं? मैं बनारस से आया हूँ। मैं कलकत्ते से आया हूँ। पोल को आपका ये क्या मेरा बिगाड़ेगा? मैं तेरे को बिगाड़ के? नहीं सर, न्यू अपॉइंटमेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके लिए सर? सिग्नेचर मांगना तो बता नहीं क्या समझे? तुम बनारसी हो? कैसे मालूम हुआ? मेरे जैसे हिंदी साफ बोल रहे हो इसीलिए मालूम किया। बोलो बोलो बोलो। सर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया हूँ। प्रिंसिपल ने आपकी सिग्नेचर मंगवाया है। मेरा सिग्नेचर चाहिए तो तुम्हारे बाइसेप्स मिनिमम 7 इंच होना चाहिए। शो है, ओरिजिनल लगते हैं लेकिन आपसे कम है सर। तुम्हारा रेस्पेक्ट मुझे पसंद आया सर। एक दिन में आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? 25 घंटे।
25 घंटे? नेक्स्ट डे से एक घंटा उधार लेके करता हूँ। वाह, डोंट टच मी, बॉस हो जाऊंगा गुस्से में, इसी के लिए इतना चक्कर खा गया ना। उधर देख, ये सब मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए थे, तब की कंडीशन है उनकी। ऐसे रहने वालों को ही ऐसा बना दिया हूं। ये आवाज कहां से आ रही है सर? बहुत घुटन सी लग रही है। अच्छा सर, इमरजेंसी एक्सरसाइज कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी। एक सेकंड, बात सुन, तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं? दिमाग मत चाटना, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गो 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 गो। ओ मैन, कोई एक गुब्बारा लीक लगता है सर। वहां रास्ता नहीं है। इस तरफ से रास्ता नहीं तो क्या, उस तरफ से जाओ। अच्छा, जाओ ना। हवा निकलने से मैं टेंशन हो रहा हूँ। और एक्सक्यूज मी, ऐश्वर्या आप ही है ना? जी हाँ। मैं इस कॉलेज में फिजिकल ट्रेनर पोस्ट में ज्वाइन किया। सुना है आपके घर में एक पोषण काली है। सॉरी, मैंने पहले ही एक किराएदार रख लिया है। ओह। अरे हाँ, मेरे फ्रेंड के घर पेइंग गेस्ट रह सकते हैं, वहाँ एक पोषण काली है, पूछ के बताऊंगी। ठीक है, उनसे कहाँ मिल सकता हूँ? बनके मेरी धड़कन में भजते
ये क्या हो गया इसे? रसगुल्ला पानी में जल गया? जानते हैं मैं कौन हूँ? पारू फिकर मत करो, पारू फिकर मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, आपको घर मिलने से रहा। क्या हुआ? उसके ही घर की बात मैं कर रही थी। वैसे कल उसके पापा से मिल लीजिए। अरे बाप रे, हुई माँ। बालाजी, पहने हुए चड्डी निकालने के लिए वक्त मिल रहा है, लेकिन सिक्स पैक निकालने के लिए शायद वक्त नहीं मिल रहा है। अहम ब्रांडी आश्मी। ओहो, लगता है कोई आ रहा है, और इस समय अपना ग्लैमरस बॉडी दिखा रहा हूँ। ये मुंडी, ये धड़ और ये पांव। अरे आओ ना, 20 साल बाद। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मून बात ले रहा हूँ। मून बात? हाँ पारू, कभी भी इस मास्टर को स्टाइल से सन बात लेने की आदत। आज कंबल ओढ़ के मून बात ले रहा हूँ। मास्टर मास्टर, चादर हटाकर अपना गठीला बदन तो दिखाइए प्लीज। जब हाफ मून बात लेते हुए बॉडी दिखाया तो मेरे झांग से निकलने वाले रेडिएशन से चांदनी में वड़ा बनाने वाली दादी को अफेक्ट कर देगा। मास्टर, आप इतनी गंभीरता से मून बात ले रहे हैं और वो कमीना सो रहा है, मारूंगा उसको। ये नहीं, छोड़ो। मून बात करते समय बीच में डिस्टर्ब किया, उसे लाइटली छाती पे घूसा मारा तो सूखे बर्गर की तरह गिर पड़ा साला। यू कम टू द पोजीशन। ये क्या है? ओह, बैड स्मेल। किस नालायक ने लाके इसे यहाँ रखा है मालूम नहीं। ये कैसा माल है? बड़ी बू आ रही है। कम वक्त इसे पीने से अच्छा है एक बोतल फिनाइल खरीद के पी ले। शराबी का ही का तू। ऐसी घटिया माल पीने वाला तो खुद घटिया ही होगा। ऐसा मनहूस माल पीने वाले की कसम से अच्छे खानदान की पैदाशी नहीं होगी। कमीना का ही का तू। आप रो क्यों रहे हैं सर? मून बात पौना भाग पूरा होते ही काबू न कर पाएंगे आंसुओं को। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? कम्बख्त शराब, क्या ये सब? आज वो बालू आया ना, उसने मेरा बहुत इंसल्ट किया। पारू, आदत नहीं तो इबादत क्यों इसकी? पटियाला। हे बालू, तू मेरे बारे में नहीं जानता। मिर्ची हूँ मैं, हरी मिर्च, जल जाएगा तू। आज मैं तेरा रेप करने वाली हूँ, पर तू चीख चीख कर विलाप करेगा। वो विलाप नहीं करेगा, वंस मोर पूछेगा। पारू, तुझे थोड़ा ओवर हुआ है, घर जाओ। पिया उसने नशा मुझे। ऐश्वर्या ने बताया था कि तुम घर देखने आने वाले हो, बैठ जाओ। घर देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी अपनी कुछ शर्तें हैं। कहिए सर। दारू शारू बिल्कुल नहीं चलेगी, समझे? आजकल के रोड रोमियो की हरकतों से मुझे बिल्कुल एलर्जी है। मेरी लड़की को ये सब फालतू चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ही सख्त है। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं, मैं एक बार उससे भी पूछ लेता हूँ। ठीक है सर। पारू, पूजा कर रही है। सुनाई दे रहा सर। भक्ति में मीरा है। ओ, हाँ जी सर। काफी पियोगे? नहीं, रहने दीजिए। ठहरो, घर की काफी है, बहुत अच्छी होगी। पद्मा, एक काफी लेके आओ। सर नहीं चाहिए सर। डरने वाली कोई बात नहीं है। पद्मा, क्या शोर है ये? एक काफी लेकर आओ। मेहमान खाली इंतजार करे, ये मेरी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए ग्लास फेंका है। मैं जाकर काफी लेकर आता हूँ। कॉलेज में कोच है,
किराए पर घर लेने आया है। नमस्ते। हाँ, घर में मीरा है, बाहर राखी सावंत। डैडी, एक जवान लड़की के घर पे होते हुए एक बैचलर को सही बात रिकमेंडेशन से आया हूँ। कॉलेज की सीट नहीं है रिकमेंडेशन के लिए, इट्स अ होम, अ डिसिप्लिन्ड होम। सोला आने सही बात, बेटी ने कह दिया कोई अपील नहीं। सर आपने कहा था कॉफी। इसने भी सही कहा। तुम्हें तो कॉलेज से निकालने वाली थी, तू मेरे घर पे आ गया, निकल। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, नो रिकमेंडेशन। बियर, मिर्ची, रेप। कल बियर पीकर नाटक किया, वो रिकॉर्ड है मोबाइल में। यस रिकमेंडेशन, प्लीज डैडी घर देते हैं। घर में जवान लड़की, बैचलर, पॉइंट करेक्ट। डैडी अपने ही प्रांत से आए, घर जरूर देना है। वास्तव में अपने ही प्रांत से आए हो? हाँ सर, देखे बनारस की पुजारण। दूसरों का फोन देखना इंडिसेंट है डैडी। अपने प्रांत का अपने लोग कम मिलते हैं, मैं टिफिन लेके आती हूँ, लो खा लो बेटे। नामी तस्कर तथा भूमि माफिया ईश्वर मूर्ति के गुनाहों के बारे में सरकार को पता चल चुका है। ईश्वर मूर्ति के हाथों हुए कत्ल के सारे सबूत और तस्करी के सामान जो जब्त हुए हैं वो अदालत में पेश किए जा रहे हैं। शहर के कई नामी वकील ईश्वर मूर्ति से खौफजदा होकर उनके खिलाफ पैरवी करने से इनकार कर चुके हैं, पर क्रिमिनल लॉयर राघव चरे ने ईश्वर मूर्ति के खिलाफ सरकारी वकील के तौर पर खड़े हुए जरूर ही सजा दिलवाऊंगा, ये मेरा फर्ज है। ईश्वर मूर्ति और उसके साथियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये जनता की मांग है। अरे कौन हो तुम? सर मैं ईश्वर मूर्ति का बेटा हूँ। उस अपराधी के बेटे हो? अगर आप चाहे तो मेरे पापा को बचा सकते हैं। अरे चुप, पापी के बच्चे क्यों नॉनसेंस कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सर सर मेरे पापा की कोई गलती नहीं है सर, और यही सच भी है। ये अदालत में बोलो, तुम्हारे बाप ने जो भी किया वो मेरे पास है, वो अदालत से बच नहीं सकता। सर मैं आपके पांव पड़ता हूं। पांव मत पकड़ो, पांव पकड़ने से कुछ नहीं होगा, अदालत का फैसला ही होगा। सर इस बच्चे के कार से एक्सीडेंट हो गया सर, बहुत खून निकल गया सर। अरे अरे अरे, अरे ये तो मेरा बेटा है। अरे अरे संभाल के संभाल के। ओके राजा क्या हुआ? ये राजा बेटा तुम्हें क्या हो गया? अभी तो मिल के आया था, क्या हुआ? क्यों सर, आप तो कहते थे सेंटीमेंट काम नहीं आते हैं। इस दुनिया में अगर कोई चीज कहीं पे काम आती है तो वो सिर्फ सेंटीमेंट है। तुम्हारी एक और बेटी भी है ना, वो भी इसी स्कूल में पढ़ती है ना, उसका ख्याल रखना। ये क्या क्रिकेट को फुटबॉल की तरह खेल रहे हो? इधर आओ, क्रिकेट के लिए कुछ रूल्स हैं, जाओ। मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा, वाच करते रहो, मैच के समय मैच करो। तुम क्या देख रहे हो, बॉल फेंको। चलो चलो तुम जाओ, तुम बॉल फेंको। स्टॉप। स्ट्रॉन्ग बैलून है। सर बैट देख के बाल फेंक रहा था ना। मैंने बॉल बैट पे ही फेंका था। बात मत करना। अरे क्या समझता है अपने आप को? मारा तो मेरा साइन, तेरी नौकरी। इसे दबाने के लिए वरुण सरी सही है। मेरी जान से खेल रहे हो, कुछ कुछ होता है। इसे सबक सिखाने का सही समय है। समझते हो? असली जगह बलून रखना भूल गया। दुख रहा है। सर, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपको नहीं चाहती। आप हैंडसम हैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सब हो जाएगा
इसका मुझे डर है। सर, ये जो बालू है मैं उसके तुम बोलो। वही सर, आपका जो असिस्टेंट है। सर ये वाओ सर, इट्स जस्ट ग्रेट। इसी तरह उसकी गर्दन उड़ाना है? नहीं सर। पैर? नहीं सर। हाथ? ओह नो सर। फिर सेलफोन चाहिए मुझे। वो तो उतना पसंद है। उस रात का वीडियो लेके मेरा ब्लैकमेल कर रहा है। ओह हाँ, साइबर लोग क्राइम। Yes, you don't worry, मैं देख लूँगा। बहुत जल्द वो सेलफोन तुम्हारे हाथ में होगा। सर बैलून लेके आइए सर, उसने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। मेरा बैलून गया। क्या बैलून सर? तुम्हारी मुसीबतें बैलून की तरह पुश हो जाएंगी, ये कहा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। मेरे खाने के लिए कुछ लेके आओ। अभी लाऊं सर? हाँ जाओ, मेरी बॉडी से प्रोटीन की शक्ति निकलती जा रही है, जल्दी जाओ। क्या लाऊं सर? जाके चना मटर कुछ तो लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाके आराम से आओ। हाँ ये लीजिए। जल्दी हवा भरना है। ये एलियन गैस का बलून है। अरे भैया जल्दी बलून दे दो। जल्दी करेंगे साला। सारा बोलता है 2 pack, 4 pack, 6 pack। सर, कहाँ चले गए? ये सब मंगवा कर जरूर सेलफोन लेने गए होंगे। ओह, बैलून को उड़ाने वाली हवा भर लिया मैंने। बालू, तुझे 6 pack पास नहीं होगा। बाल की तरह हो ना, 10 packs रेडी करता हूँ। वही होगा। हेलो सर, मैं बालू बोल रहा हूँ। मैं बैलून बोल रहा हूँ। बोलो, आपने मुझे बुलाया था? कहाँ हो? यही हूँ। यही? कहाँ कहाँ कहाँ? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? आपने मुझे बुलाया था, कहाँ हूँ मैं? लाइब्रेरी के बाजू वाले गोदाम में आओ। वेलकम टू फाइट लोकेशन। क्या फाइट? नहीं तो लाइन मार ने बुलाया समझा। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गुफा में एक ही शेर का रहना ही मुमकिन है। बाय द वे, LIC में तुमने कोई पॉलिसी ली थी? आप LIC एजेंट हैं? एक मेरा भी पॉलिसी। हेलो हेलो, क्या मजाक सूझ रहा है? पॉलिसी लिया होता तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को मदद मिल। इसीलिए मैं तो जिंदा हूँ इस क्षण तक। थोड़ी देर के बाद तुम्हारे सीने की हड्डियाँ टूटेंगी। पसलिया चकनाचूर, आतरिया खींच दूंगा, बत्ती से बाहर आएंगी। ओ, मटन स्टॉल भी है आपका? तो मेरे लिए 1.25 kg। Stop it! मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम बहुत घमंड से बात कर रहे हो, मुझसे भय नहीं है। जैसा बोलूंगा वैसा करो। जाके शटर क्लोज करके आना। जाओ जाओ। डर गए बेटा। इतनी बात तो है कि शटर थोड़ा ओपन करके रखना, तभी भागने में आसानी होगी। ओके। डोंट मिस दिस एक्शन एपिसोड। सेलफोन किधर है भाई? सेलफोन किस लिए? आप फाइट करेंगे मुझसे? यस। बारू कम टू माई साइड।
Yeah, now see the game. Yeah. इस हथियार का तुम क्या जवाब देने वाले? मैं भी एक हथियार यूज कर सकता हूँ। यूज करो। Come on, show, show. ये क्या? ये छोटा सा पिन मेरा क्या बिगाड़ेगा? जान नहीं, गैस निकलेगा। एयर? यू मीन हवा? हवा? हवा के जोर पर उड़ने वाले को नीचे लाने के लिए ये काफी है। क्या बोल रहे हो? देख चुका हूँ। नो, एक ही बार, नो प्लीज, सिर्फ एक ही बार। लगता है यहाँ वायलेंस ज्यादा होने वाला है। तुम लोग साइलेंटली जाओ। सर, हम एक्शन मिस कर देंगे सर। नो, एक्शन और वायलेंस को देख के दिमाग डिस्टर्ब होकर एग्जाम में फेल हो जाओगे। बात सुनो, तुम लोग यहाँ से गेट क्लास जाओ। चलो चलो, मास्टर ने बोला। चलो चलो, निकल चलते हैं। अच्छा, सब लोग तैयार होने वाली है और हम देख नहीं पाएंगे। हेलो बालू, ये मैटर हम दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली रहना है। अगर बाहर निकली तो मुझे बेमतलब तुम्हारे पांव पड़ने होंगे। मेरा सारी बोला ना बालू, फिर मेरे सर पर क्यों मार रहे हो? जा अपना काम देखो। ए बालू, तुमने क्या सपना देखा मैं जानता हूँ। ये मैटर बाहर निकले तो तुम्हारी नौकरी खाली। चल चल, मुझे जाना है। ईश्वर मूर्ति ने सच में अपराध किया। ये मेरे दिए गए सबूत और जीरा से अदालत में सर आप ही को सब कुछ करना है। आप इसे हमारी धमकी क्यों समझते हैं? आपको कितने पैसे चाहिए हम आपको देते हैं, और वो जगह बताओ वो हम आपके नाम कर देते हैं। क्यों सर, कुछ तो बोलिए ना। हम जो कहते हैं अगर उसे मान लेते तो हमें ऐसा काम नहीं करना पड़ता ना। क्यों बार बार मुजरिम क्यों बनाते हो तुम? है आस्था में प्राण कमा बैठे। ईमानदारी के देवता पद्मनाभन के घर से आपका बेटा राजू। कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। देखो कहाँ? देखो मास्टर, कबाब में हड्डी बनता है, उधर देख। कुछ तो बोला ना पर। मैं पैदा हुआ मथुरा में, मेरे पिताजी रामगढ़ में पैदा। तेरी दादी रामगढ़ में मरी थी क्या? अबे जा, कुछ तो बोलो। आपने 50 रुपये उधार लिए थे, ये लो पूरा पर्ची रख लो। थैंक यू, थैंक यू सर। पहले सेलफोन निकालने का कोई उपाय सोचते हैं, चलिए। बालू, लीव इट सर। ये क्या बॉडी है? नरकंकाल की तरह है। मुझे जिन कट्स की उम्मीद थी वो तो नहीं है। तुम्हें अपना असिस्टेंट कहते हुए लाज आती है, शर्म लगती है। पारो, जिसकी लाए है वो काम करो। कॉन्सेंट्रेशन भटक रहा है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नई तकनीक सिखाता हूँ। अरे संभल के सर। इट्स अ न्यू टेक्निक। चारों तरफ आईने हैं ना, प्लान करता हूँ। फ्रंट ओके, बैक थोड़ा वीक लगता है, उसको स्ट्रांग कर देते हैं। ओके राइट, कम ऑन, कम कम कम। हाँ, थोड़ा सा फ्रंट बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, अच्छे से बेंड करो, बेंड करो, थोड़ा सा, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ थोड़ा सा अपना राइट लेग लिफ्ट करना, लिफ्ट, हाँ अभी लेफ्ट लेग लिफ्ट करो। सर नहीं होगा, तुम्हारे अंदर स्टैमिना ही नहीं है। ठीक है, नीचे रख। अब ऐसे 1 2 1 2 ऐसे ही करते रहना, करते रहना, नीचे ही देखना, कहीं और नहीं देखना। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। अरे क्या इट्स ओवर, इतने में उस स्टीयरिंग को निकालो। ज्यादा वेट है सर। वेट रहा तो नहीं निकालोगे। गो मैन, गो गो, ऐसे ही गो, जल्दी मैन, कम टू द पोजीशन। इसे ऐसे रखो। क्यों? सवाल मत करो, उसका फल भुगतो। रखो, ऊपर रखो, ऐसे ऐसे करो, आंखें बंद करो। अब कुछ देख रहे हो? नहीं। वही मुझे चाहिए, सेंटर में एक छेद है ना, उसके थ्रू मत देखना। ड्राइविंग मसल्स डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज है, ठीक से करना। उसे फेस के पास रखना और थोड़ा करो, करते रहो, छोड़ना नहीं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग आ जाओ। तने कहाँ रखा इसने? माशुका को ताजमहल भेंट करने से अच्छा है अपने बदन को फौलाद जैसा मजबूत बना के रखो तो सारी कन्या अपने आप फटेंगी। रेडी, अब ऐसे ही दम साथ कर इसे ऊपर उठाओ, एक से दस तक गिनो। सर मुझे शक है। टू, अभी संभालिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, फोन दो। कौन सा फोन? मेरा फोन। जहाँ पे आपने रखा वहीं पे देखे। Will you be my love? Will you be the one love always and forever? Will you be the sunlight? Wake me in the morning. Will you be the starshine? Touch me when I... मत डालो, चलो। क्या हुआ? क्या लव स्टोरी थी ना, वाह। तेरी मेरी क्या हुआ? हाय मेरी कमर। ये एक्सेलेटर की वायर भी टूट गई। हे राम, अब क्या करे? क्या हुआ? गाड़ी गिर गई इसलिए एक्सेलेटर की वायर भी टूट गई। अच्छा, मैं ड्रॉप करूंगा। अनजान लोगों के साथ हम नहीं जाते। एक कलकत्ता है, आधी रात है, जरा सोचो। किसे कह रहे हो? तुमने शेर को देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, पिक्चरों में। लेकिन गरजने वाली शेरनी को कलकत्ता के सड़कों पर आधी रात को देखा है? है, वो जा चुका है। डर गया होगा। हे, वह देखो ना, दो गुंडे हरे हैं। अरे मिल गया सेओ। ऐसा यार, ब्लैक एंड व्हाइट में आया और मुझे पसंद है। ये ब्लैक एंड मुझे भी चाहिए। क्या हमारे बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में। ले जाओ, मैं इसको ले जाऊंगा। ये तो मेरा बीवी समान है यार। मैं बताओ तो, डांटना मत। छोड़ूंगा नहीं। बालू फिर से आ गया, हम उसके साथ निकल। ए आयशु, वहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रही है? हा? बालू तो अपनी पहचान का है, चल इसी के साथ चलते हैं। हो गया मुझे सत्यानाश। बहुत थैंक्स बालू। थैंक्स बालू। इस तरह आधी रात को मत निकलना। हाँ ठीक है। पारू? हाँ, मेरे पास कोई फोन नहीं है, तुम्हारा फोन मैंने नहीं चुराया, देखो। बाय। पारो, पानी लेके आओ। क्या हुआ?
में हर तरफ बस तुझे। उसका तेरा लफड़ा है, तेरा प्रॉब्लम क्या है? घर खाली भी नहीं कर रहे और 6 महीने से किराए भी नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? रेंट तो दे दीजिए प्लीज। नहीं दूंगा, एक बार बोला नहीं समझती, चल जा जा। ए बेटा, ए बुड्ढे, तेरी भी तो एक बेटी है ना? ए, मेरे बारे में सब जानते हो ना? सुनिए, हम आपको अपना समझ के किराए पे रखा, इस रेंट से ही मैं अपने कॉलेज का फीस दूंगी, दया करके दीजिए वरना मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। डोंट वरी, तुम जरूर पास होगी, इसका एक रास्ता है। ओ टूटा, क्या सपोर्टर को तैयार रखा, क्या कनेक्शन है? अपने साथियों है बल पर ये घबरा को सता रहा है। अब क्या करेगा? अगर अपने आप को मर्द समझते हो तो ऐसे ही हंसते हुए ऐश्वर्या को पकड़े रह, 2 मिनट तक इसे पकड़े रह। ऐसे ही हंसते रहना। चांस मिलते ही औरतों को रुलाने तक तृप्ति नहीं मिलती तुम्हें।
आइंदा यहाँ आया तो तुझको चट्टी की दूध किया जाएगी। पालू बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? वो क्या है कि चोट लगी ना, दर्द हो रहा है। अरे बहुत खून बह रहा है, बैंडेज लेके आ। परवाह नहीं, कोई दवा असर नहीं करेगा। बेटा मैं और ऐश्वर्या के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे, बेचारे दुर्भाग्यवश अचानक एक एक्सीडेंट में नहीं रहे। उस दिन से ये ऐश्वर्या बहुत तकलीफ उठा रही है। कुदरत की बद्दुआ, एक लड़की का अनाथ बनकर जीना कितनी कष्टदायी बात है, बहुत कष्टदायी है। ऐश्वर्या अपने मकान का कुछ हिस्सा मुझे किराए पर दे दो, जो भाड़ा मांगोगी दे दूंगा। ठीक है, थैंक्स। तुम्हारे पिताजी के खिलाफ जो गवाही दे रहे थे अब अपने साथ हो गए हैं। सरकारी वकील और सबूत हमारे पक्ष में, यहाँ तक कि सरकारी गवाह भी हमारी तरफ है। बस अब 10 दिन में पिताजी की रिहाई का ऑर्डर आ ही जाएगा। पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। उनके जेल से बाहर आते ही वो जो चाहेंगे मैं उनके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। भैया मुखर्जी का फोन आया था, वो कलकत्ता जाने वाली बस में फरार हो गया। उस बस के जाने वाले रास्ते भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर और कोलकाता के रास्ते का चप्पा चप्पा छान मारो। कॉफी पी लो। थैंक यू। बाथरूम का हीटर शॉक मार रहा है, ठीक कर सकोगे? जरूर। जरा जल्दी करना, मुझे नहाना है। यस। अंदर रखिए। कॉफी पी ली क्या? क्या कर रही हो? हीटर को ठीक करना है। हीटर को कुछ करने से पहले तुम पहले मुझे कुछ करो। छोड़ दो। मुझे हटाना है तो पहले मुझे किस दो। ये कोई किस है? With love, romantic. Smile. अरे अरे ये पारो, ये क्या कर रही हो? अरे क्या हो गया तुझे? मम्मी यहाँ तुम कैसे? वो माने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या ऐसा करोगी? नहीं माँ, उस दिन तुमने पूरी बराबर वो से ठीक से नहीं बनाई ना, और मैं खा नहीं पाई उस दिन। मुझे माफ कर दो माँ। तो परेशान क्यों होती हो? कर दो ही भगवान। जाओ बेटी। I'm sorry माँ, I love you माँ। अभी तक तो तुम बच्ची हो, बड़ी कब होगी? मुझसे कितना प्यार करती है। I love you माँ। So, मैडम ने बोला था कि हीटर में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने ठीक कर दिया। बहुत शुक्रिया बेटे, नाश्ता करके ही जाना। घर में और कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो मास्टर। यस। वो मेरा फोन है। ओह आई एम सॉरी। हेलो वरुण सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सर एक बहुत जरूरी बात करनी है। सर क्या हुआ, कैसे हुआ? कैसे कहूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। कब हुआ, तब हुआ, जब हुआ? ठीक है अब गाना गाते रहिए, मैं बाद में आती हूँ। बारू ठीक है, मुझे आप ही को बताना है। सर मुझे किसी से प्यार हो गया है, उसका स्माइल, उसका हाइट, उसकी पर्सनालिटी, एवरीथिंग एवरीथिंग मुझे पागल बना रहा है। वो मुझसे प्यार करता है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। इसे जानने में क्या कष्ट है बोलो? हसीन आंखों में अपनी आंखें डालकर
इकरार कर लेना। ए तू शर्मा रही है, मैं एक अच्छी आइडिया बता दूं। बताइए सर। एक अच्छी कार ले लेना। मेरे पास गाड़ी नहीं है सर। आपकी गाड़ी ले सकते हैं? जरूर श्योर। पेट्रोल बहुत कम है, टैंक फिलअप कर लेना। मेरे पास पैसे भी नहीं है सर। फिक्र मत कर, डोंट वरी। सो स्वीट। पारू, इस कार में अपने लवर को बिठा कर हाईवे पर तेजी से जाना, पेट्रोल खत्म होने तक रुकना नहीं। इस बीच तेरे लवर कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पूछा तो समझो वो तेरा पक्का आशिक है। पेट्रोल खत्म होते ही आई लव यू बोल देना। थैंक यू सर। पारू। यस सर। मैं कितने बजे रेडी रहूं? किस लिए? मुझे तेरे साथ कार में आना है ना। आप क्यों गाड़ी में आएंगे सर? हे हे हे, यू नॉटी, ऑल द गर्ल्स आर लाइक दिस। यू तू जिसे इश्क कर रही है वो मैं ही हूं ना। मुझे आपकी कॉमेडी से बहुत पसंद है। टू गुड। कॉमेडी? हाँ सर। आपको नहीं चाहती, आपको पसंद नहीं करती, आप सुंदर है ये नहीं सोचा, शायद ये सच होंगे इसका डर है मुझे, ये कहा था ना तूने? लेकिन अब मुझे डर नहीं है सर, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ बालू से। बाय सर। हे भगवान, जैसे सर ने कहा था वैसे मत पूछना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हे भगवान। पारू, अभी हम कहाँ? बात बंद करना, बात बंद करना। हेलो बालू। बोले सर। कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं, पूछ के बताओ। पारू। तिरुपति जा रहे बाल मुंडवाने। आखिर वही करवाओगी ना, तुम चाहने वाला हो या ना चाहने वाला हो। पारू प्लीज। वो तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि बात मत करो, डोंट टॉक। क्या क्या हुआ तुम्हें? पेट्रोल खत्म होने का मीटर बता रहा। पारू आई। हे डोंट टॉक, डोंट टॉक, डोंट टॉक। आई लव यू। टॉक टॉक टॉक। आई Want to know where we are going? Don't talk, don't talk. मैंने सोचा ये पागल है, आज कंफर्म हो गया। पेट्रोल खत्म होने को है। Yes, पेट्रोल खत्म। क्यों हंस रहे हो? तुम्हें धक्का देना होगा। ये देखो गाड़ी पेट्रोल बंक के सामने रुक गई। यही तो मेरा प्लान है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाके पेट्रोल लेके आओ। और अब प्रैक्टिस बालू। आई लव यू बालू। हे, मैंने जहां बताया था वहां से किया, पूछो। सब आओ, कोई बीमा को मार डाला, वो यही कहीं होगा, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। ढूंढो ढूंढो, सब कार को चेक करो, चलो ढूंढो। आई लव यू। पर गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। भाले, आई लव यू। गाड़ी स्टार्ट करो। I love you. So, babe, we're getting to
सत हो जब ऐसे कैसे खोलूंगा ये छतरी जैसे बोतल में बड़ी बड़ी आंख तेरे काजल में अभी तो शुरू प्यार हुआ है बढ़ने दो इसे आगे बल गए बिजुरी बादल में जल पर लगे भीगे आंचल में हो जब ऐसी कैसे खोलूंगा ये छतरी बरसे जब ऐसा पानी पाँव कैसे हम रखेंगे मार डाला किसने किया ये इसने हमारा मालूम नहीं खून का नामो निशान नहीं मुर्खे की तरह गर्दन मोड़ दी वही है यकीनन वही है तू वहीं रुक मैं भी कोलकाता आ रहा हूँ आरोप साबित न होने पर कृष्णमूर्ति को अदालत बाइज्जत रिहा करती है ईश्वर मूर्ति साहब ईश्वर मूर्ति साहब ईश्वर मूर्ति साहब ईश्वर मूर्ति साहब जेल से बाहर लाने की इज्जत नहीं वकील बनता है साला ईश्वर मूर्ति साहब जिंदाबाद ईश्वर मूर्ति साहब जिंदाबाद 6 महीने जेल की सलाखें गिनता रहा हूं फादर मेरे मन की शांति तुम ही लौटा सकते हो बताओ प्रभाकरण कहां है मैं नहीं कहूंगा बताऊंगा मैं जो जानता हूं सब बताऊंगा एक्सक्यूज मी बनारसी लोग हैं क्या अपने गांव वाले हाँ अभी सब बाहर गए हैं सर आने पर क्या बताऊं अब वो लोग नहीं आ पाएंगे हेलो बालू बोलो आज मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे क्या है सरप्राइज आज शाम को मैंने एक्वा जवा क्लब में एक पार्टी अरेंज की है वहीं पर बताऊंगी जरूर आना पार्टी में सबको बताऊंगी हमारे प्यार के बारे में ये पार्टी किस लिए Come on, relax. He's coming. Hey, पहले वो कहाँ है हम उसे ढूंढना होगा अगर उसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं,
तो हम में से एक को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। Wait, he's coming, I told you. It's going to be a surprise party for him. भाई, हल्दी लोकल में हमारे ऑरेंज के आदमी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। Hey, मजाक मत करो। Excuse me. Yeah? Hey, क्या हुआ? मैंने उसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ आज रूम में रहोगी? क्यों idiot? तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या तुम आना चाहती हो मेरे साथ? मैं दोनों को संभाल सकता हूँ। You bastard, कमीने! छोड़ो भैया, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? Someone help me now, please. एक मिनट, पापा को बोलो, पापा। राजा, इतने दिनों से शिकारी कुत्ते की तरह जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो मिल गई। क्या कह रहे हैं आप? फोटो, फोटो भेजो। अभी भेजता हूँ, तू जल्दी आ। चलो मैं। ऐश्वर्या, are you okay? गाड़ी रोको, पीछे लो। पापा, आपको तो सिर्फ फोटो मिली है, मुझे तो लड़की ही मिल गई है। अभी उठा के ला रहा हूँ, चल अंदर साली। क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? रोको गाड़ी, रोको। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे? छोड़ो। hey, उसका मुंह बंद कर दे। छोड़ना मत उसे। बच के न जाने पाए। फंस गई तू साली। बालू, मुझे बचाओ। भाग चले, ये लोग बहुत खतरनाक है। चलिए ना।
ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आगे खोल कर देखो, मुझे देखो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या 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 आगे खोल कर देखो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या 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 मुझे देखो ऐश्वर्या ऐश्वर्या। करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं। 15 साल से यहां वहां दिन रात खाना पीना छोड़ के तड़पता रहा अपनी बहन से मिलने के लिए। आज किस्मत से वो मुझे मिली। अपनी सगी बहन की कसम खाकर बोल रहा हूं, मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो चाहे वो कोई भी हो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अपनी बहन की खुशी के लिए दुनिया को उजाड़ दूंगा मैं। ऐश्वर्या कैसी है बेटा? She's fine. अच्छा हुआ तुमने टाइम पे उसे बचा लिया। तुम्हारा आना भगवान का वरदान है। ऐश्वर्या के साथ कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। ऐश्वर्या के जीवन में मेरा आना वरदान समझते हैं आप, मगर वो शराब है, उसके सारे कष्टों का कारण मैं हूं, उसके सीसकने के कारण भी मैं हूं। ऐश्वर्या हर पल नफरत करती है जिससे वो भाई कोई और नहीं मैं हूं। शुक्र है गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब हम लोग आराम से जिएंगे। भैया आज दिवाली है। नहीं बहन। तो फिर पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? पापा मर गए इसलिए। मरने पर रोते पीटते हैं ना? पापा बहुत जालिम थे ना इसलिए। ये कुत्ता है गाड़ी के लायक ही है। क्या देख रहे हो पापा? तुम्हारे बाप के मुर्दे को छूना भी पाप है, जुर्म करने वाले का यही अंजाम है। चलो रे। पापा पापा भैया भूख लग रही है। दरिद्र के जाने से मुझे खुशी हुई। मौसी मेरी बहन बहुत भूखी है, थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। ये देखो अपने बाप की तरह छीन के खाने के लिए। चल भाग, तेरे बाप की कोई जमा पूंजी नहीं है। मेरी बहन को खिला दीजिए। चल जा बे। बदले में मैं काम करूंगा। अभी भीख मांग रहे हो,
बड़ा होकर अपने बाप की तरह गुंडागर्दी करेगा, पता नहीं तू कितनों की जान लेगा। चल भाग गुंडे के फिर ले। नहीं भैया, किसी से कुछ भी मत पूछना, मुझे खाना नहीं चाहिए, भूख नहीं है। हम भी मर जाएंगे भैया। तुम यहीं बैठो बहन, मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आना भैया। जरूर आऊंगा, कसम से। कसम से? ये कहाँ से चुराया? चुराया नहीं, ये मेरी बहन का है। ये बात पुलिस से बोलो। अरे रे 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 रे। भूख से तड़पती अपनी बहन को खिलाने के लिए बहुत कोशिश की, पर बेरहम समाज ने मुंह मोड़ लिया। अपने पिता की गलतियों की सजा हम दोनों भाई बहन को मिली। अभी तक तो कोई नहीं आया, मेरे साथ चलो, तुम्हें स्कूल में पढ़ाई मैं कराऊंगा। मैं नहीं आऊंगी, मेरा भैया खाना लेकर आएगा। अभी तक कोई नहीं आया बेटी, हमारे साथ चलो। बेटा देख के चलो, उठो बेटा। तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, खेलने के लिए खिलौने भी मिलेंगे। ये लोग कौन हैं? कृष्ण मिश्री है बेटा, वो अनाथ बच्चों को अपने साथ रखकर उनकी देखभाल भी करते हैं। खाना भी खिलाते हैं क्या? हाँ खिलाएंगे बेटा, तीनों वक्त खिलाते हैं। हाँ हाँ बेटे, अच्छी तरह देखभाल करेंगे। अच्छी तरह देखेंगे बेटे। भैया, मेरा भैया आ गया, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। बेटे क्या ये तेरी बहना है? ये मेरी बहन नहीं है, ये सड़कों पर भीख मांगती है। हमदर्दी से मैंने बहन कहा तो मेरे पीछे पड़ गई। ले जाइए सर, ले जाइए। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। ये लड़की कौन है मुझे नहीं मालूम, बेकार में मुझे तंग करती है। ले जाइए सर, ले जाइए। भैया, भैया, उस दिन से अपनी बहन को देखने के लिए हर रोज आश्रम जाता था। तुझे देखने के लिए 2 महीने से आ रहा है, उस लड़के की बात सच है? नहीं, मैं नहीं जानती उसे, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, बोलिए जाने के लिए, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। उसकी जुदाई का गम उसकी फोटो से दूर करता रहा। अचानक किसी ने मेरी बहन को गोद ले लिया और वो मुझसे दूर हो गई। बड़े भाई होकर अपनी बहन की परवरिश नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे एक माँ बाप का प्यार दिलवा दिया। अपनी बहन को बहन ना कहने का अफसोस आज तक है मुझे। चिंता मत करो बेटे, भगवान सब ठीक करेगा। ये क्या, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं? दोनों सेट हो गए या सेट होने जा रहे हैं? पारो कुशल से तो हो बेटी, तुम्हारे माता पिता तो ठीक हैं बेटी। ये लो, ये कौन है, नया दिखता है? हाँ पुजारी जी, इनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पूजा करने आए हैं। काली माता के नाम पर नवधान का दान करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो प्रसाद। वो लंबू खान या मैं, अभी देख लेते हैं। लीजिए प्रसाद। बीमारी दूर होने के लिए नवधान दान करने के लिए कहा, मर्द और औरत एक होने के लिए क्या करना? उसके लिए भी एक उपाय है। क्या? आधी पुष्पांजलि करें तो मन पसंद औरत मिल जाएगी। मुझे तुरंत करना है स्वामी। आइए आपकी मन्नत पूरी करते हैं। ओम नमः।
स्वामी ये सब क्यों खड़े हैं? आपके ऊपर गिरने वाले पुष्प को ये लोग उठाएंगे। ओ, प्रसाद की तरह मन्नत पूरी करें। नो डाउट। आंखें बंद करके मन की इच्छा को जपते रहिए, अच्छी तरह से जपिए। जय काली, ओम काली, तू मेरी है, महाकाली तू सिर्फ मेरी है। ओम जय काली नमः, ओम पुष्पांजलि, ओम नमो, ओम काली, जय काली, महाकाली। बोलो माता की, 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 बोलो माता की। अरे दुष्ट आत्मा, इसी का नाम पुष्पांजलि है क्या? सबके सब मंदिर में झाड़ू मारने वाली लग रही है मुझे, ये मैं कहाँ आके फंस गया रे? बोलो माता काली। बाबू तेरी इच्छा पूरी होगी। बोलो माता की, बोलो माता की, बोलो माता की, बोलो माता की, जय काली जय। ये टोकरी खाली हो गई, दूसरी वाली लाकर रखी। पुष्पांजलि पूर्ण हो गई। अच्छा कॉपरेट किया आपने। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई तो पुष्पमंजन दूसरा उपाय है। वो देखिए, वही पुष्पमंजन है। उस किले के गद्दे पर आप उल्टा सहन करेंगे तो ये भक्त जान आप पर भक्ति के साथ एक एक करके दौड़ेंगे। उनमें से प्रथम स्थान पर मैं रहूंगा, आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। मर जाऊंगा। एक भी ऑटो नहीं है। किया उसे खाने पे बुला ले। आप मुझे बड़े हैं इसलिए मैं आया, लेकिन मैं अपना ड्यूटी ईमानदार से करूंगा। खाइए ना, अबे खातिर कर। रामपुर में गुंडों के दरबार में भूमि माफियाओं की तरह आतंक मचाने वाले, खून खराबा और कानून को अपने हाथ में लेने वाले ईश्वर मूर्ति को देखते ही पुलिस कमिश्नर सन्मुगनाथ ने गोली। नमस्कार कमिश्नर सोमनाथ जी, कोई बात नहीं, फैमिली के साथ आए हैं क्या? बैठना,
आइसक्रीम खाएगा? नहीं पापा। सफेद कागज पर मुझे परलोक भेजने का आर्डर तो लिख दिया, लेकिन किसको जाना है किसको यहाँ रहना है इसका फैसला मैं ही करूँगा ना। तुम्हें दो चांस देता हूँ, एक तो इससे तुम्हें मारूंगा, लेकिन ये मनहूस बंदूक एक गोली से रुकती नहीं है ना। दूसरा चांस, तुम्हारे पास जो सरकारी बंदूक है उससे खुद को मार लो, अगर वैसा कर लोगे समझो। बोलो पापा। अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, तेरी बीवी बच्चों पर मैं हाथ नहीं रखूंगा। सीरियस ने समझा नहीं? ए बच्चे लोग, हम भी खेलेंगे। सोचे बगैर अच्छा फैसला ले लो। सावधान। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, वो हमारे डर से खुद ब खुद मर जाएंगे। गरीबों का नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना मसीहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन दाता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आए दिन डॉक्टरों की कोई इज्जत नहीं रही। डॉक्टर बन गए, इसकी बधाई देने आया। जीवन दाता जिंदाबाद। तू मेरा साला इसलिए बच गया। सर कलेक्टर आ दिख रहे हैं। ओके ओके, हां टाइम हो गया चलिए। ए जी, इसमें गाना आ रहा है, ये बहरे की मशीन नहीं है क्या? नहीं जी, इसकी बातों से मेरा दिमाग ही खराब होता है। मोबाइल लगा लेता हूँ, मुझे शांति मिलती है। कम मालूम है तेरी की। यहाँ भीड़ मत लगाइए, अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी है, सब हॉल में जाइए। चलिए चलिए, सब लोग बीच में खड़े मत हो, क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पर। चलो अपनी गाड़ी वहाँ लगाओ। चलो नविता, छुट्टी नहीं मिल रही यार। ए, क्या है? एकदम चिकनी है तू। तू इतने दिनों से मेरी आंखों से कहाँ बची हुई थी। चलेगी मेरे साथ? आज आप लोगों के सामने जिन्हें डॉक्टर की पर्ची दी जा रही है वो गरीबों के मसीहा भी हैं, एक भले इंसान, करुणा के सागर है, साथ ही महिलाओं के रक्षक भी हैं। ऐसे इंसान हजारों साल जिए ताकि महिलाओं की रक्षा। तुझे बचाने कौन आएगा? मैं हूँ प्रभाकरन। बच्चों, मैं ईश्वर मूर्ति हूँ। नया IPS तू ही है क्या? हाँ। सुना है हमारी लारियों को चेक करें? चेक मत करना, मेरे लड़के बहुत गुस्से में, संभल के अगली बार जब गाड़ी आएगी तो कहीं ब्रेक ना फेल हो जाए। लेकिन मैं अपने ऑफिस को क्या जॉब दूंगा? ए, 500 लारियों को ऐसे ही देख के भेज देना। जी अच्छा, हवलदार ऊपर नीचे देख कर जाओगे। सर अक्लमंद हो, बहुत जल्दी समझ गए। सर आपके कहे मुताबिक मैंने सब चेक किया है। पूरा चेक किया, सब रेडी है, तो ब्लेस करो। पागल हो गया, पागल कहीं के। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे किया, अगर अंदर देखता तो बम का पता चल जाता। ए! तुमने तो कहा था कि 5 लारी हैं। अब काउंटिंग करेक्ट है। ए! कैसा है बॉम्ब ब्लास्टिंग लाइव टेलीकास्टिंग? ए! मैं यहाँ का बेताज बादशाह हूँ, मेरी तानाशाही चलती है, सबक सिखाऊंगा। जल्दी कर, यूनिफॉर्म में सिर्फ घुटने के नीचे शूट करूंगा, वरना तुझे कहीं भी शूट करूंगा। जल्दी बोल। ये एनकाउंटर का खिलाड़ी नहीं है, ब्लास्ट का खिलाड़ी है। भैया Thank you.
रौड़ी कहकर सब लोग मुझे तंग करते हैं। मुझे भय है कि मैं सच में रौड़ी ना बन जाऊं। मुझे तंग करते हैं, मैं आपके जैसा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। जुर्म के खिलाफ जो जंग आपने शुरू की है उसे खत्म मैं करूंगा। कौन है वो? नाम प्रभाकर है, आईपीएस, 48 इनकाउंटर कर चुका है, उसकी ट्रेनिंग। उसे भी खाने पे बुलाओ। देख तबीयत है पड़गी, तू है पटाखा या लड़की। कबूतर आजा, कबूतर आजा, कबूतर आजा, कबूतर आजा। मुझको चाहने वाले मेरे आगे पीछे हैं, मेरे मेरे आंखों से ये मथुरा तू पी ले। दे 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 कुड़ी बम्बई की मैं नशा चिंता। दरिया में क्या पुजाले दीवाने, आम से पीले मस्ताने। तू है कुलिसी एक हिड़की, बनके सिंगारी भड़की, देख तबीयत है पड़गी, तू है पटाका या लड़की। कबूतर आजा, कबूतर आजा, कबूतर आजा। तेरे आगे पीछे बावरे उड़ते फिरते हैं, सारी पतंगे मिलके गिरते हैं। लखनऊ 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 की मेरी आंखें, नशा जिनका। ये सब कुछ आपके लिए, खाइए ना। ए पहना जाए दबस ले। देख क्या रहे हो, काट दो। मुझे जान की परवाह नहीं, मेरी परवाह करने वाले माता पिता, भाई बहन, बीबी, बच्चे कोई नहीं है। नो कमिटमेंट्स। अरे हाँ, सुना है कि तेरे कमिटमेंट्स बहुत हैं। गांव में जिसकी भी जमीन होती है तू हथिया लेता है और व्यापारियों से हिस्सा मांगता है। अच्छा, तो तेरा एक ही बेटा है ना, और तू उसे बहुत चाहता है। राज पांडे, लग गए चिंगारी तेरे सीने में। राज पांडे कहाँ है? बार बार तक गया है। ए राज पांडे, नहीं
ये तेरा नंबर ही है ना? नंबर इज करेक्ट बट मेंबर इज रॉन्ग। जीजाजी फोन तो इसके पास है। राज पांडे आपकी कस्टडी में है ना? कस्टडी में नहीं, मेरा मेहमान है। ए, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना, उसे कुछ मत करना। देख लेंगे। ये मेरी कमाई से है। अरे बाप, मुझे मसाज करना पड़ेगा। ए, राज पांडे को ढूंढो। ऊपर ऊपर ऊपर। अबे बेवकूफ कहीं के। आपने तो कहा था राज पांडे किधर है। ढूंढने को बोला। हे, हवालात में बंद कर देने से तुम क्या समझेंगे मैं डर जाऊंगा? मैं जो भी करता हूँ गलत करता हूँ। मेरे ऊपर FIR डाल के मुझे बंद करने के लिए मैं गली का कुत्ता नहीं हूँ, ईश्वर मूर्ति का बेटा हूँ। राजू राजू परमेश्वर हूँ मैं। फोन उठाओ, तुम्हारा बॉब बोल रहा है फोन में। ओके, उसे बाहर निकालो। देखा ईश्वर के नाम में कितना दम है। खोलो दरवाजा। यहाँ रखे हुए टेबल चेयर फाइल फोन से लेकर कोर्ट में रखे हुए कटहरे तक हमारा ही कानून मानते हैं। IPS पर पाबंदियां हैं, हम पर कोई पाबंदी नहीं है। समझ गया ना तू? भूख लग गई, बिरयानी मंगवाओ। हे सर। हाँ। ये VIP हैं, इनका ख्याल करो। यहीं पे सबके सामने सब अपनी आंखें बंद कर लो, मैडम आज मुझे खुश करने वाली है। साले। डालो डालो। साले। आप आया हाथ में? मिर्ची कम है। तेरी तो? नमक भी कम है। अब मिला है तू? हट्टी का दूध याद दिला दूंगी तुझे। और दूध सर? काफी नहीं, आओ डालो। तुझे तो सारे में गरम मसाला कम है, आओ डालो। मार डालूंगी तुझे। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। आज तो तुमने मुझे मार दिया लेकिन पछताओगे। प्लान करके मारे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर बड़ी हंसी है, छोड़ दीजिए। डरते हो क्या? हवलदार, पुलिस को डरना नहीं चाहिए और डरने वाले की पुलिस में जरूरत नहीं। पुलिस वाला लेफ्ट राइट करके परेड में सिर्फ सैल्यूट करने वाला नहीं होता। कौन राइट कौन रॉन्ग है मुझे मालूम है, वो रॉन्ग है, माई राइट हूँ। कार्रवाई के लिए ना कोई EP कोर्ट है ना PP कोर्ट है, सिर्फ प्रभाकरण का पिनल कोर्ट है। किसने मेरे भाई को अंदर डाला? छोड़ लो मत उसे। तू है क्या? तू है क्या? तू है क्या? इतनी मस्ती चढ़ गई, मेरे भाई को अंदर डाला। छोड़ दो मुझे, मैं अपने बाप से कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। पता नहीं मेरा बेटा। जीजाजी दूसरे वार्ड में देखते हैं चलकर। अबे छोड़ ना। मेरे बेटे को यहाँ अनाथ की तरह लिटा दिया। राज पांडे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा बेटा कहाँ? मुझे नहीं मालूम, मैं रेस्ट ले रहा था, ये फल दिया खाने को। बॉस राज पांडे यहाँ है। मेरा बच्चा बंद करो, डैडी आ गए। बॉस देखिए राज पांडे की क्या हालत कर दी। देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, किसने अनाथ की तरह लिटा दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? किसने तेरा ये हाल किया? दर्द हो रहा है पापा। एक लॉकअप में मेरे को रख के एक औरत के हाथों से मेरी
बहुत पिटाई करा दी। यहाँ से जाने वाले कोई भी हो, उनके जन्मदिन में मुझे फोन करते हैं या लेटर भेजते हैं, मुझसे आशीर्वाद लेते हैं। तुम्हारी बहना की जगह जब से बदल दी गई कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तुम भी रोज आकर उसे तलाश कर रहे हो, बट नो इन्फॉर्मेशन। इसका कारण तुम पे रखी गई नफरत है। वो जहां कहीं भी रहे लेकिन तुमसे नहीं मिलना चाहती। ए, नीलम रे, चल रे, चल। आ। ए, मेरे बेटे पर हाथ उठाती है। आज यहाँ पब्लिक में जो तेरा हाल होगा उसे देखकर जो डर लोगों में पैदा होगा वो उनके पुष्टों तक याद रहेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बेटे मेरे पोते को देखकर भी डरेंगे। हाँ, मारने वाले को देख के सब डरते हैं। अपराधियों को शक्ति मिल जाए तो कोई सामने नहीं आता, बल्कि सब उसे सलाम करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा लच्चे। अगर अपने पाप की औलाद है, अपना घमंड, चर्बी और बाहुबल इनके सामने दिखा। ईश्वर मूर्ति, तुम बड़ा तोप नहीं हो। तुमसे बड़े बड़े तोप को मैं उड़ा चुका हूँ। तुझे खबरदार कर रहा हूँ, तू गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती। धमकी दे रहे क्या? तुझे जो चाहे कर ले, मुझे डर नहीं है। बचपन से ही अच्छा क्या है या बुरा क्या है मेरे को मालूम है, बस एक ही चीज नहीं मालूम है, डर। डर क्या है ये मैं नहीं जानता। क्या बात है, तू सबको डराता है? अच्छा, तू मुझे डरा के दिखा, दिखा, दिखा। क्यों रे, डराने के बदले पीछे जा रहे हैं? तेरा तेरा दो दिन के अंदर ट्रांसफर करवा दूंगा। डिपार्टमेंट कई बार मेरा ट्रांसफर कर चुका है। जहाँ तू जैसे लोग होती है वहीं मेरा पोस्टिंग होती है। ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर, पर जाने से पहले तेरा सर्वनाश करके जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ जीने के लिए, तू क्या मेरा दोस्त है या मेरी वाइफ है? आज के बाद तेरा खेल खत्म। हे, आज तक इन लोगों को तूने डराया ना, आज तुझे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। 10 मिनट के अंदर तेरे बदन की हालत क्या होती है देख, गुनाहों से बाज आ जाएगा तू। तुझे देख लूंगा। आपका ट्रांसफर कब होगा सर? काली लिफाफा है मूर्ख, अंदर कुछ नहीं है। मुझे डर आ रहा है, 10 मिनट में है। वो मुझे कैसे डराएगा? भूत आया कह देने से तुम बच्चे नहीं हो डर जाने को। मेरा बच्चा। हेलो, ए पांडे, तू हॉस्पिटल में ही है ना? नहीं, एक फॉरेन मैडम के साथ पब में पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। पब में? ए, अभी से बात कर, मैं कोई ऐसी ऐसी नहीं हूँ। पब में क्यों गया? मेरी हालत तो आपने देखी है ना, फिर कैसे पूछने की मैं हॉस्पिटल में कहीं और हूँ। वो बात नहीं है, तेरी खैरियत पूछने के लिए किया। पापा, आप टेंशन में क्यों हो पापा? टेंशन? अब नहीं नहीं, अब चुप, ऐसे ही अब तू अपना ख्याल रखना। ओके पापा। हेलो, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। ए, वो कौन होता है मुझे टाइम फिक्स करने वाला? ए, सुनना, तुझे क्यों पसीने छूट रहा है? तुम्हें भी तो पसीना आ रहा है। ओ, ए, ये डर कैसे शुरू होता है? डर की बात है, इसीलिए तो डरा रहा हूँ। जीजा जी, एक ही मिनट है, एक ही मिनट। एक टाइम बता के मुझे और मत डरा।
बॉस मच्छर वाला स्मोक है। hey, एसी चला? एसी ऑन है। हाँ बस 5 सेकंड रह गए। क्या हुआ? कौन है? हाँ, डराने के लिए बच्चे की तरह गिलास फोड़ के चला। नहीं नहीं, उसने कुछ किया है, जरूर कुछ किया है, कुछ किया है जरूर। हेलो, इस दुनिया में अपनी मौत का गाना सुनने वाला पहला आदमी शायद तू ही है। ब्लडी बगर, क्या कर दिया तूने? धीरे धीरे मरोगे, मैंने तुम्हें जो दिया है वो स्लो पॉइजन है। स्लो? अभी से 12 घंटे के बीच तुम्हारे बॉडी में पॉइजन फैल कर हर पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देगा। उसके बाद तेरी मौत आज सिटी में जश्न होगा। अगर तू शरफत से मेरा कहा मानोगे तो तेरे मरने के पहले पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा। मर जाऊं कोई परवाह नहीं, तेरी बात नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे तो यकीनन मरोगे। बात को समझे बिना उल्टा बोलते हो रास्कल। अबे मुझे क्या करना होगा, जल्दी बता तो सही। अगले कल मैं बताऊंगा। अरे मर जाऊंगा यहाँ। सबसे बड़े डॉक्टर कौन है, कहाँ है वो? मिस्टर श्रीराम जी बोलिए। डॉक्टर, खुदकुशी करने का इरादा ही गलत है। मेरी ट्रीटमेंट को आप बराबर फॉलो करते रहेंगे तो आपको बच्चा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मेरी जिंदगी में उजाला लाई है। अपने जीवन का हर क्षण अनुभव करके जीने वाले। डॉक्टर क्या बात है, टेंशन क्यों हो रहे? मेरे पास आ गए, शांति रखिए। मेरे पास आते ही आपके सारे टेंशन 2 मिनट में गायब हो जाएंगे। बैठिए। डॉक्टर उसने इंजेक्शन लगा दिया। क्या इंजेक्शन, कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, पुलिस। पुलिस? पुलिस एनकाउंटर देते हैं। डॉक्टर मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है डॉक्टर। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इंजेक्शन जिसने दिया वो MBBS नहीं है, IPS है। नर्स। मैं श्रीमान नाम का श्रीनिवास हूँ, क्यों हैरान हो रहे हैं? She is a very nice doctor. आपका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। सर मेरा ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। श्रीराम जी। फिर क्या डॉक्टर, मेरा ओ पॉजिटिव है, बच्चा नहीं है। सर का भी ओ पॉजिटिव है, उनको भी बच्चे नहीं है। उनके पहले बेटे को ही पैदा हुए, 28 साल हो गए। सुपर सर। सर आपको भी बच्चा कैसे पैदा हुआ मुझे बताइए, मुझे भी वो टेक्निक बताइए। अबे संभालो इसको। प्लीज सर। ये तुम क्या कर रहे हो? ना मतलब के बकवास कर रहा है, इसके टुकड़े टुकड़े ना करे तो क्या करे? पहले चाकू हटाओ ना। आप ही बोलिए। थैंक यू, जान बची लाखों भाई। अपने तजुर्बे और कड़ी मेहनत से मैंने ये ढूंढ निकाला है। बताइए बताइए कि आपके शरीर में किसी ने बहुत ही जहरीला जहर इंजेक्ट कर दिया। वो डॉक्टर, वो मैं भी जानता हूँ, आप क्या कर रहे हैं बताइए। क्या नहीं करना चाहिए बताती हूँ। इस तरह बौखलाना नहीं, इस तरह सर पीटना नहीं, इस तरह कूटना नहीं। अब मैं क्या करूँ बताइए? वेरी सिंपल, एंटीडोज लगाना है। लगाइए लगाइए। घबराइए नहीं हुजूर, पकड़िए इनको। नहीं, जिन्होंने इंजेक्शन डाला उनको कॉम्बिनेशन पता लगने पर ही मैं एंटीडोज लगा सकती हूँ। नहीं करेगा। ओफो, तब तो 15 मिनट में ही ये बनने वाले हैं। लेकिन उसने तो 12 घंटे बताए थे। नर्स देखा, सबको मेरे साथ रह के बोर लगता है ना, लेकिन इनको मेरे साथ टाइम को पता ही नहीं चला। देखिए घंटे का ऐसे ही निकल गया। डॉक्टर मैं बच्चों जाऊंगा ना। 1 घंटे के हिसाब से 200 ml का खून खराब होने वाला है। ओहो, 1 घंटे में 1 बार फ्रेश ब्लड चढ़ाएंगे, बिना किसी दर्द के आप बच जाएंगे। अपने लिए ब्लड का इंतजाम आप खुद ही कर लीजिए। डॉक्टर वो पॉजिटिव ब्लड वाले को मैं कहाँ जाके ढूंढूं? अरे वो पॉजिटिव ही तो है। क्यों? ओफो, मेरी आंखें बंद हो रही है, जल्दी से खून चलाइए ना। सर उसके मुंह में ट्यूब डालकर लगातार जूस पिलाते रहिए, 1 घंटे में ब्लड रेडी हो जाएगा, ठीक है? हेलो, आई एम डॉक्टर राधा जयचंद्रन MBBS FRCS। आपके साथ एक उल्लू होगा, जरा उसे फोन दीजिए। यहाँ उल्लू कौन है? साहब है, शादी के लिए कह रही है। जीजा जी बोलिए। लेकिन तुम्हारा नाम ईश्वर मूर्ति है ना? जान ही जा रही है तो अब नाम बताइए। फोन तो दीजिए। क्या करना है, क्या करना है बता तो सही, क्या करना है? बड़े हिटलर थे, अब डर रहे हो? मेरे बाप, मैं क्या करूं बता। सत्य फिश मार्केट जाओ, शुरू से आज तक
तूने जिन जिन लोगों से पैसे लिए वो सब गिन के ले जाओ। उनके मेहनत की कमाई एक घंटे के अंदर उनको दे दो। एक घंटे में? एक घंटे के अंदर मैं पैसे कैसे ले जाके दूं? मैं चाहता हूँ तुझे टाइम दूं, मगर तू मरने वाला है ना। सच्चा मार्ग ऐसे जाने से शॉर्टकट है। नहीं जी, उस तरफ जाएंगे तो शमशान घाट आएगा। इसी रास्ते में मेरा घर है, उधर जाने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट? जो जैसा करेगा ऐसा पाएगा। ओ। ये चेक करके सबको मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन लेकिन अब क्या करूं? रुक जाओ, सिगरेट पीने से वैसे ही जिंदगी के 5 मिनट कम हो जाते हैं और तुम्हारे सिर्फ 60 मिनट हैं। तब से मैं देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा नाटक कर रहा हूँ। मैं मामूली आदमी हूँ, गुस्सा है तो ज्वाला ज्वालामुखी। हेलो, उस 420 को फोन दो। हाँ, 420? वो कौन है? अरे देना, थोड़ी देर पहले उल्लू बताया था, अब ये 420 कौन है? उल्लू से 420 ही अच्छा है, उसी में फिक्स हो जाइए। अब मैं क्या करूँ बताओ? वहाँ से सीधा गांधी स्ट्रीट जाओ, भोलाराम से जो जमीन तूने हथियाया था वो उसे वापस करो, सराफत से जमीन के डॉक्यूमेंट्स और पैसे दे दो। मुझे कुछ मत कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बड़े मियां, मैं लेने नहीं देने आया हूँ, लाना वो पेपर दे दे। मुझे डर लग रहा है। अरे तुमसे ज्यादा मुझे डर लग रहा है, ले लो पैसे दे दे। 100 साल खुशहाल रहो मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना समय नहीं है इनके पास, बस थोड़ी ही देर, उसके बाद जीना है तो फोन वाला ही जानता है। कृपा करके जमीन के कागजात आपको मिल गए उसे बता देना। बता दे चलो, गाड़ी निकालो। हेलो, हाँ भाई, अगला ऑपरेशन कहाँ है? सिंगापुर? सिंगापुर? सिंगारावेल यूनिवर्सिटी। मैडम, लेकिन इनके पढ़ने की उम्र नहीं है। यूनिवर्सिटी को हार्बर की तरफ से जाने के लिए कहिए ना। मेरे ट्रांसफर होने के बाद हार्बर देखा ही नहीं। ओ, मरने से पहले आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अच्छा, हार्बर हो के हम लोग आराम से आराम से आराम से नीचे नीचे। अरे इस जहन्नम से मुझे निकालता दे। जाने पर अच्छा ख्याल है, अभी यम काल है, अभी मरने से हम लोग जा सकते हैं। क्या करें, नीचे कीजिए। श्री राम, तुम जूस पियो। अब मुझे क्या करना है बता? तुम डॉक्टर ईश्वर मूर्ति हो ना? हाँ भाई हाँ। फिर दूसरा डॉक्टर क्यों? अपना ट्रीटमेंट आप करो। अबे वो मेरी डिग्री है। लेकिन मुझे पसंद नहीं, वापस दे दो। सोचो मत, यूनिवर्सिटी जाके सर मैं उल्लू हूँ, प्रतिभाशील नहीं कहके डॉक्टर की डिग्री वापस कर दो। रख लीजिए। समझा नहीं? मैं ठहरा एक नाकारा और मेरी कोई औकात नहीं, मुझे डॉक्टरेट की डिग्री क्यों चाहिए? रख लीजिए, रख लीजिए। मैंने सुन लिया, अब डॉक्टर के हुद्दे को इज्जत मिली। अबे तू मेरा साला कैसे बना? तू मेरा नाक से खून बह रहा है। बिल्कुल घबराइए मत, पहले एक ही द्वार से निकलना शुरू होगा, उसके बाद दोनों द्वारों से बहने लगेगा। ये बैंडेज यही, यहाँ बाजू में ही मेरा घर है, मैं जाकर ला दूँ। वापस आएंगे? ऐसा सिल्ली गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। आप चले जाएंगे तो इनको ब्लड कौन देगा? वो तो पैकेट में है ना? बदन से चाहिए। इतनी हमदर्दी? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जान निकली जा रही है। हेलो, घबराइए मत, रुक जाएगा। कब? जान जाते ही। जान? और कितना पीना है? पी पी कर लगता है मेरी जान जाएगी। नहीं पिएंगे तो भी मरेंगे। तो मेरा मरना निश्चित है? हाँ, वैसे दोनों के बीच ज्यादा गैप नहीं होगा, और एक ही इंजेक्शन में दोनों को मारने का मेरे करियर का सबसे बड़ा खिताब होगा। थैंक यू सर, थैंक यू श्रीराम जी, जय बजरंग बली। इस बार तो सीधे आप ही से बात कर रहा हूँ, उठाइए। कल्याण आश्रम जाके उनसे हथियाया गेस्ट हाउस वापस करो। ये लीजिए गेस्ट हाउस के सारे कागजात, रख लीजिए। अबे चुप ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। आइए जी जा। सर 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 सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है।
मैं इनका सगा भाई हूँ। अबे तू कब मेरे साथ पैदा हुआ? का रिश्ता एक पैकेट में पैकेट पैकेट करके दे रहा हूँ। चलो सब हटिए हटिए, पीछे हटिए, थोड़ी देर में वो मर जाएंगे, उसके बाद आप फोटो खींचना, ठीक है? इसके अंदर मेरा फोटो खींचिए, ईश्वर मूर्ति मेरा भाई है। समाज सेवा कैसे बने? देखिए आप टेंशन मत होइए, मैं बताती हूँ। सेवा ऐसे कर रहे हैं, छोटे भाई बता रहे ये कर रहे हैं। छोटा भाई कौन है? भगवान भगवान, राजनीति में कब आ रहे हैं? नहीं आ सकते, इतना समय कहाँ है? चुनाव के लिए लंबा समय है। इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब ये मरने वाले, उसके बाद इनका डिपॉजिट कैपेसिटी पता चल जाएगा। आप सब लोग हार के साथ रेडी रहिए। सर एक और सवाल सर। नो क्वेश्चन सर, प्लीज सर 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 सर। हेलो, रायपुर शिव मंदिर। सर 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 प्लीज सर 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 सर। हेलो, विमला जी अनुदान कर रही हैं, वहाँ जाओ। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। देखा? हाँ देखा। उनके पांव पकड़कर अपने पापों की क्षमा मांगो। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे जीवन दान दे दो। तुम चाहो तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। करुणा दिखाओ मेरी बहन, मुझ पर पीपर करुणा दिखाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कैसा क्या तुमने माफ कर दिया बहन, कैसा मुझे माफ कर दिया। कहते हैं जो दिया बुझने वाली है उसी में सबसे ज्यादा रोशनी होती है। ये बात आपको देखने के बाद ही समझ में आई। अपनी दिया बुझने से पहले आप कितनों की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर उठा दूंगा। चलिए अपना दाया हाथ उठाइए। नहीं उठा पा रहे तो मुझे कहाँ उठाएंगे। ओफो, ये सारे मोबाइल कनेक्शन बेकार जा रहे हैं, कोई फोन नहीं आ रहा। मैं आराम से एसी रूम में बैठकर अपना डॉक्टरी कर रही थी। आपकी मेहरबानी है कि मैं बीच सड़क में आ गई। वैसे तुम्हारे आदमियों को तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं है, जैसे टीवी पर 2020 क्रिकेट मैच देखते हैं वैसे ही तुम्हें मरते हुए देख रहे हैं। विवेकानंद नगर जाना है, कितना लोगे? 150 रुपया। बहुत टू मच, 100 रुपए होंगे। 150 रुपया बोला ना, फिर भी 100 रुपए होंगे। मैं 100 रुपए ही देने वाला हूँ। 150 रुपए देने चलूंगा। श्री राम जी, मरने से पहले भी आपको मोल भाव करना है, अपने जीवन का मोल 50 रुपए। चलिए आप जूस पीजिए ना। हेलो, मेरे पति देव, बोलिए ना, कब तक आओगी? वो जहर वाला इंजेक्शन लगा के कितना टाइम हो गया? 11 घंटे हो गए। अच्छा, तब तो मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। 1 घंटे में घर जा सकते हैं? इनके जाने से एक दर्द निकल जाएगा। आप मरेंगे तो आपकी बीवी भी यही कहेगी। आपके जाने पर अस्पताल में भी वही कहेंगे। जूस पियो। हेलो, फिर से पति का नहीं, तुम्हारा पति देव। अब बता मैं क्या करूं? मरने की बात सुनकर मेरी हर बात मान लिया तूने? और क्या क्या करना होगा? Now no tension, cool। अब तुम्हें बचाने वाला इंजेक्शन जेवी सेंटर कॉम्प्लेक्स कार पार्किंग में है, कार नंबर TN69P0101। एंजॉय। सर फेंके हुए सेल को लौटाइए ना। अरे जाओ रे, जाके नंबर ढूंढो। उस गाड़ी को ढूंढने से पहले ये आदमी मर जाएगा, इसकी समाधि शायद यहीं पर होगी। डॉक्टर ऐसा मत बोलिए, उसे मुझे सेल खरीद के देना। ए, गाड़ी कहाँ है? पीछे मुड़ के देख। अरे जिस गाड़ी से हम आए थे उसी में दबा रखा है। ये तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। थैंक्स, मेरे घर में मुझे भी ऐसे ही कहेंगे। संभल के संभल के। दवा मिल गई। अच्छा, दवा मिल गई। यही है, इसी में है। छोटे भाई इसी में रखा क्या? मैं देखी थी इसको, लेकिन मैं देखती हूँ इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट। एक्सपायरी बहुत जरूरी है। 2012 सितंबर। ओके, जल्दी सुई लगाओ। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से आराम से। अभी पूरे 2 मिनट है। अस्तन ऊपर कीजिए और थोड़ा और ऊपर और ऊपर।
मूर्ति सर, इस इंजेक्शन के लिए आपने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं? मेरे करियर का सबसे कॉस्टली इंजेक्शन है ये। हे बजरंगबली, आप बच गए, आप बच गए, आप बच गए हैं। जान आपको वापस मिल गई। मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? अपना बैग चेक करो। अरे बाप, तुम्हारा ही हैरान है। तुमने ऊपर ही चेक करने को बोला, जैसे तुमने कहा वैसे मैंने किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए गहरे से चेक किया। ये मिला, तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया। इसके बाद तुम्हारा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अबे पुलिस वाला है या गुंडा? मेरी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो गुंडे का है। रोटी खाता हूँ पुलिस की। गॉट इट? मैं तुमसे सहना हूँ एक नंबर का 420। मेरे पालक ने एक अच्छा सबक सिखाया है कि कभी भी अनुशासन को प्रधानता दो। अगर मिस हुआ तो अपने आप को प्रधानता दो। इसीलिए शांत मन से इनको इनका काम करने दो। आ तू जल में बैठ। अगर तू कुछ भी नाटक करके बाहर आया तो मारा जाएगा। जा रहे। एक दिन फादर ने मुझे बुलाया। इसमें उसके बारे में सारा डिटेल्स है। थैंक यू वेरी मच फादर। 6 महीने की छुट्टी, वो किस लिए परवाह कर? आज तक जिससे तलाश कर रहा था वो बहन मुझे मिल गई। मैं ही उसका भाई हूँ ये समझने के लिए ये 6 महीने भी कम है सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ईश्वर बोल रहा हूँ, तेरी एक छोटी बहन है ना, क्यों डर गया ना? ए, निकल चुके हैं गांव से सारे गुंडे तेरी बहन की तलाश में। ना, अपनी मौत से पहले मैं तेरी आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। तेरी बहन को तेरे सामने ही मारूंगा। ए, भाग, अब मेरे खौफ से भाग। ऐश्वर्या से मिलने आया, मेरे साथ उसकी मौत भी आई। वो मुझे भैया कहें या ना कहें इसकी चिंता नहीं, सिर्फ उसकी सुरक्षा जरूरी है। रिश्तेदारों की भीड़ मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो मतलबी होते हैं। बचपन में सगे भाई ने मुझे छोड़कर चला गया हूँ। अब तक मैं सह नहीं पा रही हूँ। आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी अपनी जान पे खेल कर मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद का एक शब्द बहुत नहीं है। बस इसी जगह पे राजपांडे को मारा था। उसके चीखने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। उसकी आवाज मैं अभी भी सुन रहा हूँ। जीजा जी, मैं जो कह रहा हूँ उसका गलत मतलब मत निकालिए। उसकी बहन को कुछ हुआ तो वो हर हाल में 10 अवतार लेकर भी बदला पूरा करेगा। पागल मत बनिए, उसकी बहन को भूल जाइए। मेरी गोली का शिकार और कौन बनना चाहता है? ये मेरा दोस्त का ही घर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। ऐश्वर्या, कुछ दिनों तक तू यही रहो, मैं जाके दवा लेकर आता हूँ। पारू, ऐश्वर्या के साथ रहो। मुझे बिल्कुल कदर ही नहीं कर रही है। पालू, बिना पूछे तुमने मेरी मदद की। फर्स्ट डे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इनकार मत करना। पूछो ऐश्वर्या। सच में? सच में
पारू बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम भी उसे पसंद करते हो ना? यदि उसे बता देते तो वो बहुत खुश होती। तुम दोनों को खुश रखना ही मेरा मकसद है। थैंक्स। अब मैं आंसू बहा के वन साइड लव कहकर सिंपति क्रिएट किया तो ऐश्वर्या ही पारू से मिला देगी। लेट अस प्ले। ऐश्वर्या, अरे रे, ये क्या सर, आपके आंखों में कुछ हुआ? जाके आंखें धोकर आइए। मास्टर, क्या बात है? मैं सुबह ही कॉफी पी चुका हूँ। नो मास्टर, इसे साफ करके हम तीनों को टी लेके आइए। लाने के लिए कहा थे, ठीक है, धोकर लाने के लिए कह रही है ना। शेम शेम पप्पी शेम। मास्टर, उनकी जोड़ी अच्छी है ना? किस करूं, कैसे तुझे जानू मैं, सुकरूं, टच 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 करूं, रेठा राइट। किस 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 करूं, टच 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 करूं, विश 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 करूं, राइट हां राइट। काले से पुल है, पुल से पल है, गिलने दो इसको, पकने दो इसको, गिलने दो पकने दो। ऐसी भी से मोती है, मोती से माला है, मोती चुला बूंगा, माला बना बूंगा तेरे लिए, आन तेरे लिए। किस 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 करूं, कैसे तुझे जानू मैं, सुकरूं, टच 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 करूं, रेठा रेठे। बता देना भाड़ा है कितना, जुल्फ के साए में रहने का, दिल के वो कमरे में, बाहों के गहरे में, प्यार के सिटी में बसने का। माने काम पर से तारों के नगर से, स्वर्ग अपना ठुकरा के चली आई, सपनों के राजा से मिलने को, चंदा से लहरा के बल खा के चली आई। माटी के कुल्ले से पानी पिलाऊंगा, प्यास बुझाऊंगा होठों की, मांगो की जितना चाहो की, जितना हिम्मत चुकाऊंगा बोसों की। किस 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 करूं, कैसे तुझे जानू मिस करूं, टच 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 करूं, रेठा रेठे। तुमको जतन से मैं, कितनी लगन से मैं, मन के सिन्हा से मैं रखूंगा, तेरी वो मुस्कान मोनालिसा से है, जिनको मैं पलकों पे रखूंगा। जैसा भी चाहे तो मुझको बुलाए, तो होंगे मेहरबा आ जाऊंगी, जो भी तुम मांगे कर दे दूंगी, सारा मैं जीवन सारा ये वारूंगी। किस 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 करूं, टच 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 करूं, विश 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 करूं, राइट हां राइट। किस 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 करूं, कैसे तुझे जानू मैं, सुकरूं, टच 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 करूं, रेठा। सिबी से मोती है, मोती से माला है, मोती चूला बूंगा, माला बना बूंगा तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। काले से पुल है, पुल से पल है, गिलने दो इसको, पकने दो इसको, गिलने दो पकने दो। किस 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 करूं, टच 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 करूं, विश 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 करूं, राइट हां राइट। Thank you.
ऐश्वर्या? नंबर सही है लेकिन मेंबर गलत है। तेरे मरने की खबर फैलाने के बाद कितने तो फोन आए। मैं तो यही चाहता था, तुझे मारने के लिए मेरे पास एक ही हथियार है, तेरी बहन ऐश्वर्या। मेरी बताई जगह पर आजा राजा, आजा। जल्दी आ गया तो तेरी लाश तेरी बहन को दूंगा, देर हो गई तो तेरी बहन की लाश तुझे दूंगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे काट के रख दूंगा। जाओ पीछे जाओ, अबे चल। मान रहा है, मेरा हुक्म मान रहा है। मामला तुम्हारा और मेरे बीच में है, ऐश्वर्या का काला नहीं, मेरे तलवे चाटे का तो भी सुनूंगा नहीं, तेरी बहन को काट के रखूंगा। वो कुछ नहीं जानती, तेरा दुश्मन मैं हूं ना, मुझे मार डालो प्लीज। उसे जाने दो, वो कुछ नहीं जानती। कहाँ है वो प्रभाकर आईपीएस? कहाँ गया तेरा घमंड, वर्दी का वो गुरूर? तुझे अब अपना गुलाम बना दिया ना बच्चों, ईश्वर के नाम से अब तू काम रहा है, नाक से पानी का सांप बन गया। काट के रख दो कमीने को। नहीं, उनको छोड़ दीजिए, नहीं, उनको मारना मत, नहीं। छोड़ दीजिए, कोई संबंध नहीं। हाँ जी। क्यों बे? तू हकीकत नहीं जानता? तू उसका भाई है नहीं बताया? ए लड़की, यही तेरा सगा भाई है, यही है जो तुझे बचपन में छोड़ के चला गया था। उस दिन से तुझे ये पागल की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन बीच में ये मेरे हाथों फंस गया। तेरी बहन को तेरी आंखों के सामने मारूंगा कहा था, उस दिन से ये तुझे बचाने के लिए कुत्ते की तरह घूम रहा है। मेरी मौत का यम बनने वाला आज मेरे रहम करम पर है। ऐ प्रभाकर, बुझती आंखों से अपनी बहन को देख ले, इसके दम तोड़ने से पहले तू दम मत तोड़ना। वही कहने वाली भूखी बहन को पेट भर खाना नहीं खिला पाया था, जिसके कारण 15 साल से दूर रहा। मेरे बदन से टपकने वाले खून का हर एक एक बूंद बहन से क्षमा मांग रहा है। मुझे मार डालो। लेकिन मेरी बहन के बदन पर एक छोटा सा घाव भी हुआ तो तड़कने वाला मेरा दिल रुकने से पहले तुझे मारे बिना नहीं रुकेगा। मरने से पहले अपनी बहन को बचाने की सोच रहा है? इसका मौका तुझे नहीं दूंगा। काट के रख दो। Thank you.
अच्छा रखने के लिए मुझे छोड़ के तुम कष्ट सहे, अब मेरे कारण हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। बस है भैया, जिया तो हम साथ में जिएंगे, मरे तो हम दोनों साथ में मरेंगे। दोनों में एक, अभी फैसला करो भैया। खत्म कर दो।